चुनाव 2019 की घोषणा हो चुकी है और पूरे देश में चुनावी माहौल है। ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से जो जवाबी कार्रवाई की गई है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बड़ा है और वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जनता का अनुमान क्या है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी फिर से हो सकती है। आतंकी अड्डों पर हमले के बाद देश की युवा पीढ़ी, जिनका मोह भंग नरेंद्र मोदी से हो रहा है, वे भी अब नरेंद्र मोदी की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में दो सर्वेक्षण सामने आए हैं और उनमें ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में पहले से ज्यादा वृद्धि हुई है। और इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा एक सर्वे किया गया था, इस सर्वे में ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले 7% थी, जो अब बढ़कर 52% हो गई है। 52% लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी आतंकवादियों की चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का समर्थन मात्र 27% लोगों ने किया है। लेकिन इस सर्वे में चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है कि 42% लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। इधर सी वोटर के सर्वेक्षण में भी चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे भारतीय जनता पार्टी को 264 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्ष के पूरे गठबंधन को 141 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। कुल मिलाकर चौंकाने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी के ग्राफ में लगातार वृद्धि हुई है और देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव में उन्हें इसका क्या लाभ मिलता है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.